तिलक अकेडमी, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मंडे है और जैसा कि हमने आपको बताया था हम लोगों ने कि मंडे से आपको रेगुलर क्लासेस मिल जाएंगी चार, तो आज ही हमारी इंग्लिश की अगली क्लास होगी जिसमें हम देखेंगे प्रोनाउन। पिछली क्लासेस में हमने प्रोनाउन देख लिए थे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और इस क्लास में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ प्रोनाउन। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ एक छोटी सी बात कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जेल प्रहरी की और MPSI की भी अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम होती है, तो प्रोनाउन से एक पर्टिकुलर रूल है, दो तीन रूल हैं जो कि अगर मैं बात करूँ तो रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर है, तो उनसे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा, वो रूल जब आएंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं सारे रूल प्रोनाउन के आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं इससे दूसरी भी बाहर की अगर एग्ज़ाम देते हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है तो आपका पूरा कुछ कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के और देखते हैं हमारा फर्स्ट रूल ऑफ प्रोनाउन। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन, एक स्क्रीन पे आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रोनाउन में यूज़ ऑफ इट। तो आप एज अ फर्स्ट रूल इसको समझिए कि इट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं एज अ प्रोनाउन। तो सबसे पहला हम पॉइंट देखते हैं इसमें, इट में फर्स्ट रूल देखते हैं, फर्स्ट थिंग देखते हैं। तो जब भी नेचुरल इंसिडेंट की बात की जाती है यानी कि प्राकृतिक घटना की बात की जाती है, जैसे सीजन हो गया, मौसम हो गया, वेदर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, एट्सेट्रा, अथवा टाइम को बताने के लिए बात की जाती है जब हमको समय बताना होता है, तो मैंने बोला जब भी प्राकृतिक घटना जैसे कि सीजन, वेदर, अर्थक्वेक, एट्सेट्रा, और या फिर मैं बोलूँ जब भी हमको समय को बताने की बात की जाती है, टाइम को बताने की बात की जाती है, या ईयर या डे को बताने की बात की जाती है, तब हम उसके आगे इट का प्रयोग करते हैं। देखिए जरा एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ विंटर, तो हमने बोला इट इज़ विंटर यानी कि ये ठंडी है। इट इज़ 5 o'clock, तो यहाँ 5 o'clock 5 बजे का समय है। इट इज़ मंडे, आज मंडे है। इट इज़ रेनिंग यानी कि बारिश हो रही है, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ यूज्ड, इन दैट टाइप ऑफ सेंटेंस वी यूज़ इट, ठीक है। तो इट का प्रयोग आपने देखा कहाँ किया जाता है, पहला। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट का प्रयोग किसी निर्जीव वस्तु के को बताने के लिए भी किया जाता है। तो दूसरे पॉइंट में हमने क्या देखा कि इट का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी निर्जीव वस्तु को बताना होता है तब भी इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज़ अ पेन, ये करेक्ट सेंटेंस है। इट इज़ अ चेयर, तो चेयर और पेन दोनों निर्जीव है तो हमने इट का प्रयोग किया। तीसरा देखते हैं, तो जब भी छोटे जानवर, कीड़े मकोड़े या फिर कुछ छोटे छोटे जानवर की बात होती है, तो छोटे जानवर या फिर कीड़ों मकोड़ों को हमको बताना होता है तब भी हम इट का प्रयोग करते हैं। ऐसे सेंटेंस में भी हम इट का प्रयोग करते हैं। आप जरा सेंटेंस में ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। इट इज़ अ डॉग, तो आप देख रहे हैं इट इज़ अ डॉग लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे इट इज़ एन एंट, तो यह कुत्ता है, और फिर देखेंगे तो ये एक चींटी है। तो इस टाइप से जब भी सेंटेंस की बात होती है जहाँ पर हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या फिर छोटे जानवरों की बात करते हैं तब भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इट का हम देखते हैं नेक्स्ट प्रयोग, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको सेट कर दीजिए। हाँ ठीक है, परफेक्ट। तो इट का प्रयोग जब देखें, अगर नाउन या प्रोनाउन पर जोर देकर कुछ बताना हो, किसी नाउन या प्रोनाउन को जोर देकर जब बताना हो तब भी हम इट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन होता है वो जरा देखते हैं एग्जाम्पल से। देखिए आपके पास में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट इज़ सेंकी हु हेल्प्ड हिम लास्ट नाइट। यह सेंकी है जिसने उसकी लास्ट नाइट मदद की थी, ठीक है। तो इट इज़ सेंकी हु हेल्प्ड हिम लास्ट नाइट, तो मतलब भैया ये सेंकी है जिसने उसकी लास्ट नाइट मदद की थी। तो यहाँ पे सेंकी पे जोर देके बताया है, इसलिए इट का प्रयोग किया है। सेकंड देखेंगे, इट इज़ आई हु हैव थॉट यू, मतलब कि हु हैव टॉट यू, सॉरी, तो इट इज़ आई हु हैव टॉट यू, यह मैं हूँ जिसने तुम्हें सिखाया है, ठीक है, तो या फिर पढ़ाया है। तो इस टाइप से जब सेंटेंस पे जोर दे के बात करते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस बनाए जाते हैं, तब हम इट का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है तो MP के एग्जाम में तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए ही नहीं है बल्कि। तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कभी इन फ्यूचर देखो कॉम्पिटिशन बढ़ गया, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं आपको पूरा ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। सारी चीज़ मैंने बहुत अच्छे से आपको इसीलिए डीप में सारी चीज़ें बताई है। नेक्स्ट देखते हैं, इट का प्रयोग जो होता है पांचवा, ये छोटे बच्चों को बताने के लिए किया जाता है। छोटे बच्चे ऐसा जैसे आप जिसका लिंग आप निर्धारित नहीं कर सकते देख के, आप छोटे बच्चों को देख के पता नहीं चलता ना कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है नहीं चलता ऐसे नॉर्मली, अगर देखेंगे छोटे बच्चों को नहीं चलता है पता। तो इस टाइप का जब छोटे बच्चों की बात होती है तो हम इट का प्रयोग करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ इट्स टॉय, तो जो बच्चा है वो खेल रहा था किससे, उसके खिलौने के साथ। फिर देखते हैं, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज़ हंग्री,
तो बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री, आप जरा एग्जाम्पल देखेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे हमने इट का प्रयोग किया है। तो इट अगर बच्चा है तो फिर उसके लिए हिज या हर का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इट का क्या है क्योंकि यहाँ पे जेंडर फिक्स नहीं है बच्चे का, ठीक है। तो यहाँ आपने इट का प्रयोग देखिए, तो हमने पांच चीज़ें देखी। तो इट का प्रयोग पहले हमने देखा प्राकृतिक घटना या फिर समय दिन या वार को बताने के लिए किया जाता है, फिर हमने दूसरा देखा निर्जीव वस्तु को बताने के लिए, तीसरा हमने ये देखा कि जब भी हम छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या जानवर की बात करते तब इट का प्रयोग करते, चौथे पॉइंट में हमने ये देखा कि इट का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन पे जब भी जोर दे के बात करनी होती है किसी के लिए तब इट का प्रयोग करते हैं, और पाँचवा प्रयोग हमने ये देखा कि छोटे बच्चे जिनका जेंडर फिक्स नहीं होता उनके लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये मामला आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो दैट वॉज द यूज़ ऑफ इट, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ, और मैं बता दूं जो दूसरा रूल मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप जरा स्क्रीन पे देखिए, आपको दूसरा रूल इधर की साइड दिख रहा होगा, बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। ये जो दूसरा रूल है ये प्रोनाउन के क्रम के ऊपर है, इसके लिए मुझे थोड़ी सी चीज़ आपको समझानी पड़ेगी। तो देखिए ये हट गया, सीधा आ रहा है, ठीक है। सो देखिए जरा ध्यान से, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं आपको पर्सन के बारे में बताना चाह रहा था कि इंग्लिश में अगर पर्सन की बात करें तो यहाँ पे तीन पर्सन हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। पहला होगा फर्स्ट पर्सन, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन इस वीडियो में वापस से बता रहा हूँ ताकि यहीं पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए अगर पिछली वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अगर मैं पर्सन की बात करूँ तो तीन होंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है अंग्रेजी में। आई और वी का मतलब मैं और हम, ये फर्स्ट पर्सन की बात हुई। फर्स्ट पर्सन ने कौन भाई, मैं या फिर हम, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में आएगा यू, यू का मतलब तुम, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू यानी कि तुम, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आता है। तो थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, शी, इट और दे आता है। तो हमने ये देखा कि फर्स्ट पर्सन में आपके पास में आई वी आता है, सेकंड पर्सन में हमारे पास में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट आता है, ठीक है। तो जब भी हम, जब भी सेंटेंस में, अब रूल सुनिए जरा ध्यान से, रूल जरा लगा दीजिए, ये तो आ गया समझ में इनको कि कौन कौन सा पर्सन है, ठीक है। अब जरा रूल सुनिए ध्यान से, जब भी किसी सेंटेंस में दो से ज़्यादा पर्सन्स यूज़ होते हैं, ठीक है, या फिर एक से ज़्यादा बोलूँ, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स यूज़ होते हैं किसी सेंटेंस में, अगर हम फॉर्म कर रहे हैं उसको और दो से ज़्यादा पर्सन आ रहे हैं, तो हमेशा हमेशा रूल के अकॉर्डिंग जो पर्सन का अरेंजमेंट होता है वो टू, थ्री और वन के फॉर्म में किया जाता है। मतलब कि पहले हमेशा सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन होगा नेचुरल सेंटेंस में। यानी कि सामान्य अगर सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, वहाँ पे कोई भाव की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, गलती मानने की बात नहीं कर रहा मैं किसी चीज़ की, ठीक है, इस प्रकार के भाव की बात नहीं कर रहा। तो अगर सामान्य सेंटेंस अंग्रेजी में जब भी फॉर्म होता है और उसमें दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं या फिर दो से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं या तीन सब्जेक्ट होते हैं, तब हम हमेशा क्या करते हैं, टू, थ्री, वन रूल को फॉलो करते हैं। यानी कि हमेशा पहले सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आता है और फिर फर्स्ट पर्सन आता है। जरा एग्जाम्पल जरा आप ध्यान से देखिए, बहुत ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, टू, थ्री, वन रूल, टू, थ्री, वन, टू, थ्री और वन। टू का मतलब सेकेंड पर्सन, थ्री मतलब थर्ड पर्सन और वन मतलब फर्स्ट पर्सन। जरा एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखिएगा ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं मैं, लेकिन बट ये दो मिनट फोटो हटा दो सामने से तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट तो ये कंडीशन तो आपने देख ली कि अगर सिंपल सेंटेंस है अंग्रेजी में, सिंपल सेंटेंस है, उसमें ज्यादा पर्सन आ रहे दो से ज्यादा, तो हम टू, थ्री, वन रूल ये लगाएंगे। लेकिन बट अगर सेंटेंस में किसी गलती को मानने का या किसी अपराध को मानने का या किसी दोष या भूल या पाप का इस टाइप का भाव प्रकट हो रहा है, देखो सिंपल सी बात है, जनरल सेंटेंस में तो टू, थ्री, वन लगाएंगे, लेकिन अगर सेंटेंस को पढ़ के आपको किसी भूल, किसी गलती, किसी दोष या पाप की भावना दिख रही है उसमें कि ये यार गलती हो गई, ये दोष हो गया, ये पाप हो गया, ये भूल हो गई, ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग हमेशा, अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली अगर देखें तो वन, टू, थ्री रूल का प्रयोग करते हैं। मतलब हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं, फिर सेकंड पर्सन का यूज़ करते हैं, फिर थर्ड पर्सन। एक बार वापस से सारांश बता देता हूँ कि नॉर्मल सेंटेंस में हम टू, थ्री, वन रूल यूज़ करेंगे, मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई सेंटेंस को पढ़ के हमको ऐसा लगता है कि यहाँ गलती हो गई, दोष हो गया, पाप हो गया, भूल हो गई, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम वन, टू,
थ्री रूल का प्रयोग करते हैं, मतलब हमेशा पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन को रखा जाता है। आइए समझते हैं एग्जांपल से। देखिए इस प्रकार आप देखो पिक्चर में, अब जरा पिक्चर में देखिए ध्यान से, यहाँ पिक्चर में इस टाइप पे यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे आप गौर करिएगा, वहाँ लिखने में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है। जो परंतु करके जो लाइन लिखी है उस परंतु वाली लाइन में 231 गलती से मैंने लिख दिया, वो 231 की जगह आपको 123 कर लेना है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट फोटो लगा दीजिए प्लीज़, ऊपर से थोड़ा सा इसको लगाइए, वेरी गुड, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल, यू आर टॉल, ये थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है एग्जांपल, हाँ सही है। ये एग्जांपल देखिए जरा ध्यान से, स्क्रीन पे थोड़ा सा क्या कभी कभी चेंज फोटो करने में शफल हो जाती है इधर उधर चीज़ें, कोई बात नहीं उसको माइंड मत करिए। अब हम रूल के एग्जांपल देखते हैं। देखिए पहला रूल क्या बोल के रखा है, पहला सेंटेंस क्या दे रखा है, एग्जांपल क्या दे रखा है, यू आई एंड ही हैव टू हेल्प हर, क्या बोला है, यू आई एंड ही हैव टू हेल्प हर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है और ही थर्ड पर्सन है, मतलब 213 आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना। लेकिन ये स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि इस सेंटेंस को जब पढ़ रहे हैं तो मदद करने की बात हो रही है, तो कोई गलती या पाप या भूल वाली या दोष वाली बात तो है ही नहीं। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगना चाहिए, 231, यानी कि हमेशा पहले आपके पास में सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। जरा नीचे वाला जो करेक्ट सेंटेंस है वो जरा पढ़िए, यू ही एंड आई हैव टू हेल्प हिम या हर, सॉरी, तो यू ही एंड आई हेल्प, आई हैव टू हेल्प हर, तो हमने ये देखा ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ 231 का आ रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैंने सेंटेंस में आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 231 है, ठीक है। अब देखिए बट यानी कि अपोजिट कंडीशन जो उसकी थी, मैंने आपको बताया था जब भी गलती दोष या इस टाइप की भूल वाली सीक्वर को स्वीकार करने की घटना अगर हो रही हो, इस टाइप की अगर घटना हो रही हो, ये बताई जा रही हो, तब हम 1-2-3 रूल का प्रयोग करते हैं। मतलब पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड फिर थर्ड आएगा। जरा ध्यान से देखिए, आई यू एंड ही हैव कमिटेड अ सिन, तो तुमने मैंने और उसने मिलकर ये पाप किया है, ठीक है। अब ये पाप स्वीकारने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, 1-2-3 का प्रयोग किया गया पहले वाले सेंटेंस में, आई यू एंड ही हैव कमिटेड अ सिन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 1-2-3 आ रहा है और मुझे पता है कि पाप स्वीकारने की बात हो रही है, तो 1-2-3 आएगा। लेकिन अगर सेकेंड सेंटेंस इसी का देखें, आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आई का मतलब फर्स्ट पर्सन है और यू का मतलब क्या है, सेकेंड पर्सन है। तो अगर ये दो ही सिर्फ है सेंटेंस में, दो ही है, तो 1-2 है ना। अगर तीन है और पाप स्वीकारने की बात हो रही है, तो 1-2-3, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप देखिए दोनों ही सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है, आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे MPSI में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल में आपको इतना अच्छे से मैंने बताया, ठीक है। थोड़ा समय लग गया, लेकिन ये रूल आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए जो अगला रूल हमारा ऊपर है, हमारे पास में है, वो केस के ऊपर है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस के ऊपर। तो मैं आपको थोड़ा सा केस, मैंने पिछले वीडियो पूरा केस के ऊपर डाला है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो के भी डाल दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देख लेना, नहीं तो आपको केस समझ में नहीं आएगा फिर के केस क्या होता है। एक छोटा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे वापस से आपको एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए। केस जो होते हैं प्रोनाउन के, वो तीन होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। अब मेरी बात सुनिए, जब भी हम किसी सेंटेंस में प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो वहाँ उसका सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। जब भी हम किसी सेंटेंस में प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो वहाँ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। जब भी हम प्रोनाउन का उपयोग किसी सेंटेंस में अधिकार बताने के लिए करते हैं, तब पॉजिटिव केस का प्रयोग करते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, पिछला वीडियो देखना, सब बहुत डीप में और बहुत अच्छे से समझाया, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सब्जेक्टिव केस की। तो सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, आई वी यू दे ही शी इट, ये सारे हमारे सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव केस देखें, तो मैंने कल टेबल भी बताई थी आपको बहुत अच्छे से, कि आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है, वी का जो होता है वो अस होता है, यू का यू ही रहता है, दे का जो होता है वो देम हो जाता है, ही का देखें तो हिम हो जाता है, शी का हर हो जाएगा और इट का इट ही रहेगा, ठीक है, या इट्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारे पास में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखें पॉजिटिव केस की बात करें, तो मी का
माइन या फिर यहाँ देखिए माइन या फिर माय होगा, मी का माइन या माय, वी का अस का अवर हो जाएगा पॉजिटिव केस, यू का यूअर हो जाएगा पॉजिटिव केस, देम का देयर हो जाएगा पॉजिटिव केस, फिर अगर बात करें हिम का हिज हो जाएगा पॉजिटिव केस, हर का हरी रहेगा ठीक है, और इट का एटी रहेगा या फिर इट्स कर सकते हैं आप ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हमने बोला इट्स आप लिख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव केस आपने देखा कि तीन तरह के केस होते हैं और किसका क्या होता है, ये मैंने टेबल वापस से बना दिए, तो अगर आपको नहीं है पिछली टेबल से समझ में नहीं आ रहा तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो प्रोनाउन के ये स्ट्रक्चर प्रयोग किए जाएंगे, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन प्रयोग किया जा रहा है तो ये स्ट्रक्चर, और अगर आप अधिकार बताने के लिए सेंटेंस में यूज़ किया जा रहा है तो ये स्ट्रक्चर पूरा फॉलो होगा। आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है। अब जरा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हुई है। ये ऑब्जेक्टिव केस में मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव केस जो होता है इट का वो इट ही होता है, मैंने शायद इट्स लिख दिया था, तो यहाँ इट का इट रहेगा, पॉजिटिव केस में आपका इट्स होगा क्लियर है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये अब ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक से, फिर हम आगे अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए जरा हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट देखो आप लिखा हुआ है वर्ड्स लेट लाइक बिटवीन बट और एक्सेप्ट, तो लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट या फिर कोई प्रीपोजिशन, जब भी क्वेश्चन में जब भी सेंटेंस में लेट लाइक बट एक्सेप्ट या इनके अलावा कोई प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए तो उस प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा जो प्रोनाउन का यूज़ होता है केस वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो जब भी सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आ जाए या फिर लेट आ जाए या फिर लाइक आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए या फिर बट आ जाए, तो इनके बाद में हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन के। तो प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, जरा ध्यान से देखिए, लेट वाला एग्जांपल बड़ा फेमस है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, एमपीएसआई में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए जरा लेट आई डू दिस वर्क, तो लेट आई डू दिस वर्क इज द रॉन्ग सेंटेंस। व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज वी हैव यूज्ड आई आफ्टर द लेट। देखो लेट आई डू दिस वर्क, आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है, लेकिन मैंने आपको बताया लेट लाइक एक्सेप्ट बट या कोई प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, तो लेट के बाद में क्या आएगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको लिखा हुआ था मी होता है, तो क्या होगा? लेट मी डू द वर्क, तो लेट मी डू द वर्क इज द करेक्ट सेंटेंस। देखो आप एग्जाम्पल में आप देख पाएंगे कि लेट मी डू द वर्क इज द करेक्ट सेंटेंस, है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ ठीक है। तो ये हमारे थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल, इसके बाद जो रूल होंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो अल्टीमेटली हमने 12 रूल्स ऐसे निकाले हैं और मोस्टली यही होता है, कोई सी भी आप एग्ज़ाम दे लीजिए, सब में आपके जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो इसी इन पर्टिकुलर रूल से ही बने हुए हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली वीडियो, क्योंकि हम पूरी तरीके से उसी पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है ठीक है। आपने ये इतने दिनों से ऑब्जर्व कर ही लिया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फिर से एक बार बोलूँगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।